हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसजी टेक्निकल्स में। आज मैं आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट्स लाया हूँ जो इस वीक में हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली न्यूज़ की बात करूँ तो आ रही है शाओमी की तरफ से, मी मिक्स 3। ये जो फ़ोन है टेना पे लिस्ट हुआ है, इसमें आपको दो वेरियंट्स मिलते हैं, 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, 8GB रैम, 256GB इंटरनल मेमोरी। इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलेगा और ये पहला फ़ोन होगा मी मिक्स सीरीज का जिसमें आपको ओलेड डिस्प्ले मिलेगी 6.39 इंच की। साथ ही स्नैपड्रैगन 855 का सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको 3800mAh की बैटरी मिलेगी और 10 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें आपको डुअल सेल्फीज़ मिलेंगी, 24MP प्लस 2MP, और बैक में आपको दो कैमरेज का सपोर्ट मिलेगा 12MP का, और ये फ़ोन आपको 5G कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा। तो अब दोस्तों देखते हैं ये फ़ोन कब लाता है शाओमी इंडिया में। अगली न्यूज़ की बात करूँ तो आ रही है रियलमी की तरफ से, रियलमी का एक नया फ़ोन रियलमी X50 5G जल्द ही लॉन्च हो सकता है। ये वही फ़ोन है जो रियलमी ने बोला था कि दिसंबर में लॉन्च करेंगे विद 5G। इसमें आपको दोस्तों डुअल सेल्फीज का सपोर्ट मिलता है, साथ ही पंच होल वाली डिस्प्ले होगी। तो दोस्तों देखते हैं रियलमी इस फ़ोन को कब लॉन्च करता है दिसंबर में। अगली न्यूज़ की बात करूँ तो आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S11। इसमें आपको नया सेंसर मिलेगा, एक ब्राइट नाइट सेंसर। ये सेंसर आपकी जो नाइट टाइम फोटोग्राफी होगी उसके लिए यूज़ होगा, आपकी जो नाइट में पिक्चर्स होंगी उनको और क्लियर और ब्राइट करेगा। इसमें आपको 5 कैमरेज का सपोर्ट मिलेगा और 108MP का इसमें प्राइमरी कैमरा होगा। दोस्तों अगर बात करी जाए कैमरा फीचर्स के हिसाब से तो इसके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से 2020 में ये बेस्ट कैमरा फ़ोन हो सकता है। Oppo Reno 3 Pro 5G, ये फ़ोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। Oppo के जो VP हैं ब्राइन शैन, उन्होंने ये इमेज शेयर करी है। इसमें आपको कर एज डिस्प्ले मिलती है, साथ ही आपको स्लिम बैरल्स मिलते हैं टॉप पे। इसकी डिटेल से पता चलता है कि इसमें आपको पंच होल वाली डिस्प्ले मिलेगी, साथ ही आपको पावर बटन मिलता है राइट हैंड साइड पे विद ब्लू एक्सटेंड। दोस्तों देखते हैं Oppo ये कब फ़ोन लॉन्च करता है इंडिया में। अगली न्यूज़ की बात करूँ तो वो आ रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। ये फ़ोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। ये गीक बेंच पे स्पॉट करा गया है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है SMN7705। इसमें आपको सैमसंग एक्जिनोस 9810 का चिपसेट मिलेगा, साथ ही 6GB की रैम मिलेगी, और ये और गैलेक्सी नोट फोन से सस्ता होगा और ये फ़ोन जल्द ही लॉन्च होगा इंडिया में भी। तो दोस्तों देखते हैं कब लॉन्च होता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। अगली न्यूज़ की बात करूँ तो वो आ रही है MG मोटर्स की तरफ से, MG हेक्टर कार की 21,000 यूनिट सोल्ड हो चुकी हैं इंडिया में, जो एक बहुत ही बड़ा मार्क है एक नई कंपनी के लिए। साथ ही MG मोटर्स एक नई कार लॉन्च करने वाले हैं 5 दिसंबर को, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार होगी। साथ ही उन्होंने चार्जिंग स्टेशन भी ओपन करा है इलेक्ट्रिक कार के लिए गुरुग्राम में, और मुंबई में, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु में ओपन करने वाले हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक कार ही फ्यूचर है। अगली न्यूज़ की बात करूँ तो वो आ रही है वीवो की तरफ से, वीवो का एक नया फ़ोन वीवो X30। इस फ़ोन में आपको सैमसंग का प्रोसेसर मिलेगा, सैमसंग एक्जिनोस 980, जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। साथ ही इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। इस फ़ोन में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलेगी, एक OLED स्क्रीन होगी, साथ ही इसमें आपको पीछे 3 कैमरेज का सपोर्ट मिलेगा और 60 हाइब्रिड जूम का सपोर्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं ये वीवो फ़ोन कब लॉन्च करता है Vivo X30 को। अगली न्यूज़ की बात करूँ तो वो आ रही है Redmi की तरफ से, लू वीविंग जो जनरल मैनेजर हैं Redmi के, उन्होंने बताया कि Redmi K30 वो पहला फ़ोन होगा जिसमें आपको हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज सेंसर मिलेगा, और दोस्तों जो इमेज क्वालिटी होगी वो बहुत ही इम्प्रेसिव होगी। साथ ही Redmi K30 में आपको 60MP कैमरे का सपोर्ट मिलेगा, जो कि सोनी का IMX686 सेंसर है। साथ ही स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर है, 4500mAh की बैटरी है, 27 वॉट का फास्ट चार्जर है और 4500mAh की बैटरी है। तो दोस्तों देखते हैं कब आता है Redmi K30 इंडिया में। अगली उसकी बात करूँ तो वो आ रही है Realme और Oppo की तरफ से, Realme के जो चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं चेंग हुसैंग वी, उन्होंने बताया कि अगर Realme ऐसी एक्सपेंड करता है तो वो Oppo से दोस्तों स्प्लिट हो जाएगा। Oppo ही पेरेंट कंपनी है Realme की, वहीं दोस्तों उसका फिर अलग से प्रोडक्शन होगा, अलग से R&D डिपार्टमेंट होगा Realme का, वो Oppo के अंडर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों देखते हैं ये पॉसिबल होता है या फिर नहीं।
अगली दूसरी बात करूं तो वो आ रही है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला ने एक नया पेटेंट करा है जिसे लगता है कि ये मोटोरोला रेजर फोन 2 होगा। इसमें आपको टच सेंसर्स मिलेंगे एजेस पे जो 20 डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा। और दोस्तों ये मोटोरोला का पहला फ़ोन होगा जिसमें आपको टच सेंसर्स मिलेंगे। साथ ही मोटोरोला पहली कंपनी नहीं है जिसने टच सेंसर फ़ोन लाया है, इससे पहले HTC और गूगल भी ला चुके हैं। लेकिन जो मोटोरोला का होगा दोस्तों उसमें एक नई टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। तो दोस्तों देखते हैं मोटोरोला रेजर फोन 2 कब आता है। अगली उसकी बात करूं तो वो आ रही है टेस्ला की तरफ से। टेस्ला दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ ही वो पहली कंपनी है जिसने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है। वहीं दोस्तों पता चला है कि टेस्ला टेस्ट कर रहा है सेल्फ ड्राइविंग ट्रक पे। एक पिक्चर लीक हुई दोस्तों, उससे पता चल रहा है कि टेस्ला अब टेस्ट कर रहा है सेल्फ ड्राइविंग ट्रक पे। तो दोस्तों देखते हैं कितना एडवांस होता है टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग ट्रक और कब लॉन्च करता है टेस्ला इसको। अगली दूसरी बात करूं तो वो आ रही है नोकिया की तरफ से। नोकिया भी एंटर कर रहा है स्मार्ट टीवी मार्केट में। नोकिया अपनी स्मार्ट टीवी लॉन्च कर रहा है 5 दिसंबर को। इसका लैंडिंग पेज आ चुका है फ्लिपकार्ट पे। इसमें आपको 55 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो कि 4K UHD पैनल होगा। साथ ही इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलेगा, JBL के स्पीकर्स मिलेंगे और इसमें आपको एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा। साथ ही इसमें गूगल प्ले स्टोर और गूगल असिस्टेंट भी मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं नोकिया इसकी क्या प्राइस लगता है। दोस्तों मैं अपनी टेक न्यूज़ के एंड में आपको एक मार्वल की न्यूज़ भी दिया करूँगा। दोस्तों मार्वल की एक नई मूवी लॉन्च होने वाली है ब्लैक विडो, जिसे हम नताशा रोमनोफ के कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये जो फिल्म है लॉन्च हो रही है 30 अप्रैल 2020 को और मार्वल की ये पहली फिल्म है जो 5 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में आएगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। दोस्तों तैयार रहिएगा 30 अप्रैल 2020 को। दोस्तों अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज शुभम गुप्ता साइनिंग आउट।